हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनुलॉ क्लासेस। आई एम गौतम दीक्षित, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट जीके एंड करंट अफेयर्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अगस्त 23, 2021 का द डेली हिंदू न्यूज़ एनालिसिस। आज मंडे है, आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ हम देखते हैं। अफगान सिक्स हिंदूज अमॉन्ग 392 एयरलिफ्टेड फ्रॉम काबुल। तो दिस इज़ द रिकरिंग न्यूज़ विच इज़ कमिंग। द इवैक्यूएशन प्रोसेस इज गोइंग ऑन इन अफगानिस्तान बाय इंडिया एंड इट इज़ बीइंग कैरिड आउट बाई द इंडिया। सो वहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके ऊपर खास करके जो सिख्स हैं और हिंदूज़ हैं उनको इवैक्यूएट किया जा रहा है फ्रॉम अफगानिस्तान। उसके बाद क्या ये पहली बार हुआ है? नहीं। द इंडिया इज़ क्लियरिंग इट्स एम्बेसी फॉर द फोर्थ टाइम। तो जैसे कि हम जानते हैं, हमने पढ़ा भी है आगे कि 1990s में जब रशिया वेंट आउट ऑफ अफगानिस्तान, सो देन ऑल्सो देर वॉज द इवैक्यूएशन ऑफ इंडियन एम्बेसी बिकॉज ऑफ फियर ऑफ अटैक्स। उसके बाद द यूएस इट हैज़ सेट टू असिस्ट इन इवैक्यूएशन प्रोसेस। अफगान तालिबान कैप्चर के बाद एक जो प्रॉब्लम आ रही है इवैक्यूएशन में वो ये है कि द रोड विच इज़ गोइंग टूवर्ड्स द काबुल एयरपोर्ट इट हैज़ बीन ब्लॉक्ड बाई तालिबान। तो अब क्या हो रहा है कि ना रूट्स चेंज किए जा रहे हैं। रूट्स क्या चेंज हो रहा है कि एयर इंडिया और इंडिगो जो हैं दे आर ऑपरेटिंग द फ्लाइट्स वाया ताजिकिस्तान एंड कतार। देन फाइनेंस मिनिस्टर समन्स इंफोसिस सीईओ ओवर आईटी पोर्टल ग्लिच। तो एक नया इनकम टैक्स फाइलिंग पोर्टल लॉन्च होना वाला था, वो न्यूज़ में भी था और वो अभी तक फंक्शनल नहीं हुआ है 77 डेज के बाद। ये जो पोर्टल है इट वॉज डेवलप्ड बाई इन्फोसिस। नाउ सिंस दिस पोर्टल हैज़ नॉट बीन डेवलप्ड, सो द फाइनेंस मिनिस्ट्री संबंध द इन्फोसिस सीईओ ओवर आईटी पोर्टल ग्लिच। यहाँ पे जो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज़ से ज़्यादा ये नाम इम्पॉर्टेंट है, दैट हु इज़ द इनकम्बेंट सीईओ ऑफ इन्फोसिस। सो दैट नेम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, द नेम इज सलील पारेख। देन असम मूव्स टू ईज फ्रेश रो विद मिजोरम। तो ये जो है यहाँ पे दो डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है, एक है असम का डिस्ट्रिक्ट दैट इज़ हालाकंडी और मिजोरम का डिस्ट्रिक्ट कोलासिब डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे जो है फिर से थोड़ा सा झड़प हुआ, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स जो थे जो असम पुलिस ने जिसको जब्त कर लिया था यहाँ पे मिजोरम को फिर से दिया गया। तो इट इज़ अ मोर और लेस अ माइनर न्यूज़ रिलेटेड टू द असम मिजोरम बॉर्डर। यस, अब हम आते हैं द हुर्रियत मे फेस रैथ ऑफ UAPA। UAPA क्या है? UAPA इज द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट UAPA। इसमें एक सेक्शन 31 आता है, इस पूरे न्यूज में सेक्शन 31 इज वेरी इंपॉर्टेंट। द सेक्शन 31 ऑफ द UAPA सेज दैट इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑफ ओपिनियन दैट एनी एसोसिएशन इज और हैज बिकम एन अनलॉफुल एसोसिएशन। अनलॉफुल एसोसिएशन का मतलब विच आर नॉट लॉ अबाइडिंग, टेरर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है या मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है और दे आर थ्रेटनिंग द सिक्योरिटी एंड सोवरेंटी ऑफ इंडिया और पब्लिक ऑर्डर, तो इनके ऊपर गवर्नमेंट बैन लगा सकती है। तो दिस इज़ कवर्ड अंडर सेक्शन 31 ऑफ द UAPA। ये पूरा इशू क्या है कि हुर्रियत जो है वो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन का बना हुआ है। यहाँ पर इशू ये आई थी कि हुर्रियत इज़ इन्वॉल्व इन टेरर फाइनेंसिंग। अब टेरर फाइनेंसिंग का मॉडलिटीज़ इनका क्या है? There are many students in Kashmir who aspire to complete their MBBS from Pakistan. तो ये क्या करते हैं कि उनसे पैसे लेते हैं और उस पैसे का यूज़ ये टेरर फाइनेंसिंग में करते हैं, ऐसे गवर्नमेंट का रिपोर्ट है। सो जैसे कि स्टोन पेल्टिंग हो गया, इस सब टाइप के जो एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ हैं इसको ये लोग फाइनेंस करते हैं। सो हियर द हुर्रियत कॉन्फ्रेंस विच केम इन टू एग्जिस्टेंस इन 1993 हैज़ 26 ग्रुप्स। और इसको लीड कौन करता है, इसके लीडर कौन है? सो इट इज़ मीरवेज उमर फारूक। यहाँ के कुछ इम्पॉर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं हुर्रियत के और जो पहले भी बैन किए जा चुके हैं, तो वो है जमात इस्लामी एंड द जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, या जिसको JKLF कहते हैं। जब जम्मू कश्मीर में व्हेन देयर वाज मिलिटेंसी एट हाइट स्पेशली इन द अर्ली डिकेड्स ऑफ 90, तो JKLF वाज वन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन विच वाज एट द फ्रंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। Then news that the former Chief Minister of Uttar Pradesh, the two-time Chief Minister of Uttar Pradesh,
कल्याण सिंह ही डाइड, कल के न्यूज़पेपर में भी था। जो एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कल्याण सिंह जी से रिलेटेड, द लेट कल्याण सिंह, ये है कि ही वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश ड्यूरिंग द बाबरी मस्जिद इंसिडेंट। उसके बाद एक अच्छी न्यूज़ आ रही है, शायद फ्यूचर में इससे इन्फ्लेशन पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। इन्फ्लेशन जो 5.7% का राइज देखा है, पहले 6.3% था जून में, अब जुलाई में 5.7% पे आ गया। अब पेट्रोल डीजल की जो प्राइस है, इट हैज़ बीन कट बाय 20 पैसे। व्हाई? बिकॉज ऑफ फॉल इन द इंटरनेशनल प्राइसेस। सो देयर इज़ अ फॉल इन द इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस एंड इट हैज़ टम्बल टू द लोवेस्ट लेवल सिंस मे, आफ्टर द US फेडरल रिजर्व सिग्नल दैट इट वॉज सेट टू स्टार्ट टेपरिंग द एसेट परचेजेस विद इन मंथ। मतलब कि पहले जो एसेट खरीद रहा था फेडरल रिजर्व ऑफ USA, सो दैट इट कैन पम्प द US इकोनॉमी विद मोर लिक्विडिटी, नाउ दैट पम्पिंग ऑफ मनी विल बी नाउ नैरोड डाउन, इट विल बी टैपर्ड डाउन। सो दैट इज अ रीजन फॉर दिस दैट नाउ, बिकॉज कि वहाँ पे भी होता है कि जब बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी इकोनॉमी में आ जाता है तो उससे क्या होता है कि इन्फ्लेशन का फियर हो जाता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए लिक्विडिटी को स्क्वीज किया जाता है। सो फेडरल रिजर्व इज गोइंग टू दैट ओनली, इट इज़ गोइंग टू टेपर इट्स बाइंग ऑफ एसेट। तो यहाँ पे उसकी वजह से क्या हुआ है कि नाउ देयर इज अ कंसर्न दैट द इंटरेस्ट रेट इन US में गो अप, सो बिकॉज ऑफ दैट हैज बीन फॉल इन प्राइसेस। इससे इंडिया पे क्या इम्पैक्ट होगा ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम 20 पैसे द पेट्रोल डीजल प्राइसेस हैव बीन कट, तो जो पेट्रोल और डीजल के जो प्राइसेस है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सेगमेंट एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीजन दैट वाई द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स राइजेज। जैसे कि हम पहले ही जानते हैं कि WPI डज नॉट कवर द सर्विस सेक्टर फर्स्ट थिंग, एंड सेकेंड इट डज़ नॉट कवर द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। CPI इन दोनों को कवर करता है। सो वी कैन सी द फॉल इन CPI इन कमिंग मंथ एंड वी कैन होप दैट RBI कैन कंटिन्यू विद इट्स अकोमोडेटिव पॉलिसी टू रिवाइव द इंडियन इकोनॉमी। देन दिल्ली हाई कोर्ट ने बहुत ज़्यादा कंसर्न दिखाया है और ये बहुत ज़रूरी है, दैट ड्रग एब्यूज इज ऑन राइज एंड इट विल हैव ह्यूज इकोनॉमिक एंड सोशल कॉन्सिक्वेंसेज। नेपाल के एक ड्रग सप्लायर को पकड़ा गया इंडिया में, और इनको एक स्पेशल टाइप का नाम होता है, बिकॉज फ्रॉम नेपाल दे आर कैरिंग द ड्रग कमिंग इनटू इंडिया एंड आफ्टर दैट दे विल अगेन गो बैक टू नेपाल। ऐसे लोगों को हम कहते हैं दे आर द फ्लाइट रिस्क, मतलब रिस्क हैं बट फ्लाइट, आएंगे और चले जाएंगे। नाउ सी, इस न्यूज़ को आप कनेक्ट कीजिए तालिबान के साथ। मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया कि बिकॉज ऑफ राइज ऑफ तालिबान दैट इज़ द फियर दैट द ड्रग ट्रैफिकिंग इन साउथ एशिया एंड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट विल इंक्रीज इन द फ्यूचर। सो दिस टाइप ऑफ न्यूज़ आर वेरी डिस्टर्बिंग। यहाँ पे एक एक्ट की का जिक्र हुआ है, दैट इज नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट। नाउ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट इज टू कर्व द प्रॉब्लम ऑफ ड्रग एब्यूज एंड ड्रग ट्रैफिकिंग। Now, coming to the fourth evacuation from Kabul since 1992, but in a different international climate. इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अब हम 1992 को कंपेयर करते हैं 2021 के साथ। तो 1992 में USSR और रशिया दे वेर वैकेटिंग अफगानिस्तान। जब रशिया वॉज वैकेटिंग द अफगानिस्तान, तो रशिया का जगह किसने लिया? देन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम देन USA टुक द पावर। उसके साथ साथ क्या हुआ कि रशिया के बाद देन देर वॉज द अराउंड 4 years सिविल वॉर, सो नो बडी लेजिटिमाइज द तालिबान। बट मैंने इफ वी कम टू 2021, द थिंग विच इज डिफरेंट इन 2021 इज कि अब तालिबान को कहीं ना कहीं लेजिटिमेसी मिल चुकी है। तालिबान जो एक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप है, एक टेररिस्ट ग्रुप है, उसको थोड़ा सा लेजिटिमेसी मिल चुका है फ्रॉम चाइना का दोहा एग्रीमेंट के बाद, फ्रॉम USA। तो ये एक थोड़ा सा एक डिफरेंट इंटरनेशनल क्लाइमेट है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि इसे थोड़ा सा इवैक्यूएशन में दिक्कत आती है, कि जैसे कि पहले क्या होता था कि इन 1992 व्हेन द इवैक्यूएशन वाज टेकिंग प्लेस देयर वाज फुल सपोर्ट ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी, बट राइट नाउ द एक्सिस विच हैज़ डेवलप्ड अराउंड अफगानिस्तान आफ्टर द विड्रॉवल ऑफ US, दैट एक्सिस इज ऑफ पाकिस्तान, चाइना एंड रशिया विच हैज़ लेजिटिमाइज द तालिबान। सो इंडिया फील्स दैट दे आर नॉट गेटिंग सो मच सपोर्ट इन टुडेज इंटरनेशनल क्लाइमेट।
बट एक सिल्वर लाइनिंग है जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी श्री हर्षवर्धन श्रृंगला जी ने कहा है, वो ये है कि तालिबान इस बार लेजिटिमाइज करना चाहता है अपने रूल को। इट इज सीकिंग द इंटरनेशनल लेजिटिमेसी विच इज लिटिल डिफरेंट एंड इट कैन लीड टू इन फ्यूचर मैनूवरिंग एंड विथ टॉक्स इन तालिबान टू स्टेबलाइज द कंडीशन इन अफगानिस्तान। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि एक इवैक्यूएशन कब कब हुआ था। तो 1992 में एक इवैक्यूएशन हुआ था। देन द इवैक्यूएशन विच हैपेंड वॉज इन अराउंड 1996। देन यहाँ पे इन 1996 देर वॉज द इवैक्यूएशन। देन देर वॉज द इवैक्यूएशन वैन द USA invaded Afghanistan and then this is the fourth evacuation which is happening। एक प्रॉब्लम जो आ रही है वो क्या आ रही है, वो ये आ रही है कि देर इज़ द प्रॉब्लम ऑफ रीग्रुपिंग ऑफ टेररिस्ट ग्रुप इन अफगानिस्तान। सो दैट इज़ वन ऑफ द प्रॉब्लम। उसके बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, अफगान रिटर्निस्ट टू गेट पोलियो वैक्सीन। इंडिया वॉज डिक्लेयर पोलियो फ्री ऑन मार्च 27, 2014। ये किसने डिक्लेयर किया था? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर किया था। व्हाट इज़ द क्राइटेरिया फॉर डिक्लेयरिंग एनी कंट्री टू बी पोलियो फ्री? मतलब जब सर्टिफिकेशन मिलेगा उस दिन से पास्ट 3 ईयर्स तक देर शुड नॉट बी अ सिंगल रिपोर्टेड केस ऑफ पोलियो इन अ गिवन कंट्री। तो इंडिया ने वो शो किया दैट फ्रॉम 2014, और आप 3 साल पीछे जाइए अप टू 2011 देर वॉज नो रिपोर्टेड केस ऑफ पोलियो इन इंडिया एंड इंडिया गॉट द पोलियो फ्री सर्टिफिकेशन इन मार्च 27, 2014। बट क्या इंडिया के नेबरहुड भी क्या पोलियो फ्री है? नहीं, इंडिया के नेबरहुड लाइक पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान दे आर नॉट पोलियो फ्री। वहाँ पे अभी भी वाइल्ड पोलियो फैला हुआ है। और जो यूनिसेफ ऑपरेशन कर रही थी टू सप्रेस द पोलियो इन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान दैट वॉज डिसरप्टेड टू अ वेरी लार्ज स्केल ड्यू टू कोविड-19। तो वॉट एवर जो द अफगान पीपल हु आर रिटर्निंग अफगान द पीपल हु आर रिटर्निंग फ्रॉम अफगानिस्तान टू इंडिया नाउ दैट्स वाई दे आर गेटिंग पोलियो वैक्सीन बिकॉज इंडिया वॉन्ट्स टू मेंटेन इट्स स्टेटस। नाउ आई वॉन्ट टू आस्क यू अ क्वेश्चन, विच कंट्री रिसेंटली गॉट अ मलेरिया फ्री सर्टिफिकेशन फ्रॉम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? आई वॉन्ट यू टू राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। देन अ वन लाइनर, इंडिया साइंस डील फॉर 70,000 असॉल्ट राइफल्स। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। अब इस न्यूज़ में क्या है कि इंडिया रशिया का एक इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट हुआ था। कब? फरवरी 2019 में। उसमें एक जॉइंट वेंचर कंपनी बनी थी विच इज़ कॉल्ड एज इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड। तो ये कहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ था? ये कंपनी इट वॉज एस्टेब्लिश इन कोरवा इन उत्तर प्रदेश। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? फॉर मैन्युफैक्चरिंग द राइफल। ये जो JV है वो इंडियन साइड से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने साइन किया है और रशियन साइड से रॉसबोरोन एक्सपोर्ट्स एंड कैलेशकिनोव उसने साइन किया है। फाइन, अब व्हाट इज दिस डील अबाउट? द डील इज अबाउट बाइंग द AK-2303 असॉल्ट राइफल एंड कैमोव-226 यूटिलिटी हेलीकॉप्टर। इसमें एक रशिया जो है वो थोड़ा सा एक अपडेशन करना चाहती है। इट नाउ इट वॉन्ट्स टू सेल KA-226T चेम्बर हेलीकॉप्टर टू इंडिया विद एडवांस्ड फीचर। देन द नेक्स्ट इज INB मिनिस्ट्री टू मार्क इंडिया 75th इंडिपेंडेंस डे। हमने 75th इंडिपेंडेंस डे का एक थीम रखा है विच विल बी फॉलोड बाई द वीक लॉन्ग प्रोग्राम बाई द इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री। अभी अभी कैबिनेट रिशफल हुआ था तो द इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री चेंज हुए थे। नाउ अनुराग ठाकुर, श्री अनुराग ठाकुर, नाउ ही इज़ द इनकम्बेंट INB मिनिस्टर। तो देखिए, पहली बात तो हम थीम देख लेते हैं कि थीम क्या है इंडिया का 75th इंडिपेंडेंस डे का। आज़ादी का अमृत महाउत्सव कब से कब तक चलेगा? अगस्त 23 से अगस्त 19 तक। ओके, उसके बाद यहाँ पे इस प्रोग्राम में क्या क्या होगा? शो होगा, क्विज होगा, ड्रामा होगा, स्किट्स होगा और एक ई बुक लॉन्च की जाएगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। द ई बुक विच विल बी लॉन्च विच विल बी कॉल्ड एज मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद मलाबार वॉर गेम्स टू बिगिन ऑन थर्सडे। मलाबार वॉर गेम मतलब यहाँ पे मलाबार नेवल एक्सरसाइज की बात हो रही है। कहाँ पे हेल्ड होने वाला है? गुआम में हेल्ड होने वाला है। एंड इसका एक बैकग्राउंड है, द जियो पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या है इसका? टू मेंटेन द इंडो पैसिफिक एज फ्री, ओपन
रीजन फॉर द एवरी कंट्री, एंटी चाइना टाइप का ये एक्सरसाइज होता है। इसमें चार कंट्री पार्टिसिपेट करेंगे, इंडिया, US, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। यही कंट्री क्वाड क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग के भी मेंबर्स हैं, तो दे आर गोइंग टू पार्टिसिपेट। देन दिस विल बी हेल्ड फ्रॉम August 26 to 29 ऑफ द कोस्ट गोवा। ठीक है, तो जो जस्ट रिमेंबर दिस। सो द नेम ऑफ द एक्सरसाइज विल बी मलाबार 21। उसके बाद एक वन लाइनर टाइप का इंफॉर्मेशन है, जैसे कि द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड टू यू, तख्त ए सुलेमान इज ऑल्सो अ टेम्पल डेडिकेटेड टू होम। सो तख्त ए सुलेमान, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज इन श्रीनगर एंड दिस टेम्पल इज डेडिकेटेड टू शंकराचार्य। सो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। उसके बाद द नेक्स्ट इज वुमेन्स पैनल डिफेंस ड्राफ्ट इनहेरिटेंस बिल। ये फिर से आपके लिए एक वन लाइनर है, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कमीशन फॉर वुमेन रिलीज द इनहेरिटेंस बिल फॉर वुमेन। सो इट वॉज द अरुणाचल प्रदेश स्टेट कमीशन फॉर वुमेन दैट इट हैज कम आउट विद द इनहेरिटेंस बिल फॉर प्रोवाइडिंग इक्वल इनहेरिटेंस राइट्स टू वुमेन इन द स्टेट। अब हम आते हैं इंटरनेशनल न्यूज पे। द फर्स्ट इज चाइना विल नॉट गेट ड्रॉन इन टू सीरियस सिक्योरिटी रोल इन अफगानिस्तान। तो यहाँ पे जो है ये इंटरव्यू टाइप का है, इट इज़ नॉट, इट इज़ समबडीज परसेप्शन एंड ओपिनियन। सो क्लैट में परसेप्शन बेस्ड आर्टिकल्स या ओपिनियन बेस्ड आर्टिकल्स इतने नहीं पूछे जाते हैं, बट यहाँ पे हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। पहला इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि ये किस बेसिस पे बोला जा रहा है कि चाइना विल नॉट गेट ड्रॉन इन टू अ सीरियस सिक्योरिटी रोल इन अफगानिस्तान। वाई? बिकॉज बीजिंग्स इकोनॉमिक एंगेजमेंट विल बी टोटली बेस्ड ऑन द इंटरनेशनल लेजिटिमेसी ऑफ तालिबान। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चाइना, और चाइना ने इसको बार बार बोला भी है। हमने जो परसों न्यूज़पेपर किया था उसमें भी हमने ये चीज़ डिस्कस किया था। उसके बाद चाइना का अपना भी एक प्रॉब्लम है, दैट इज़ जिंगजियांग प्रोविंस, जहाँ पे ईस्ट तुर्किस्तान मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव है, वो वहाँ पे तुर्किस्तान बनाना चाहते हैं। और उसके बाद साथ साथ में एक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो जिंगजियांग को कनेक्ट करेगा ग्वादर पोर्ट से। CPEC प्रोजेक्ट, इट इज़ अ चाइना लेड प्रोजेक्ट, इट विल कनेक्ट जिंगजियांग द नॉर्थन वेस्ट प्रोविंस ऑफ चाइना विद ग्वादर पोर्ट नियर कराची। ठीक है, तो इसको भी बचाना है यहाँ पे भी, क्योंकि टेररिस्ट अटैक हो चुके हैं, दो टेररिस्ट अटैक यहाँ पे हो चुका है एंड दिस प्रोजेक्ट इज़ नाउ फेसिंग अ टफ चैलेंज इन पाकिस्तान। सो दैट्स वाई द चाइना विल अडॉप्ट अ वेरी कैलिब्रेटेड अप्रोच। उसके बाद स्पोर्ट्स में एक न्यूज़ आ रहा है अबाउट अ शैली। सो शैली सिंह, शी इज़ फ्रॉम उत्तर प्रदेश, शी इज़ फ्रॉम झांसी एंड शी हैज़ वन द सिल्वर मेडल इन वुमेन्स लॉन्ग जंप इन वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैम्पियनशिप विच इज़ बीइंग हेल्ड इन नैरोबी। उसके बाद फुटबॉलर हकीम पासिस अवे, वंस अगेन अ वन लाइनर, ही टुक पार्ट इन 1960 ओलंपिक्स एंड लेटर कोच्ड इंडियाज़ फुटबॉल टीम। सो इज़ द ओलंपिक फुटबॉलर एंड फॉर्मर नेशनल कोच एंड ही पास्ड अवे रिसेंटली। ओके, एंड ही वॉज द रेसिपियंट ऑफ ध्यानचंद अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की तरह होता है स्पोर्ट्स में। सो इज अ ध्यानचंद अवार्ड इन 2017। देखिए, डोंट कन्फ्यूज इट विद मेजर ध्यानचंद अवार्ड, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। इट इज, देयर इज ऑलरेडी एन अवार्ड इन द नेम ऑफ ध्यानचंद विच इज गिवन फॉर अ लाइफ टाइम परफॉर्मेंस, एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की तरह होता है। अब हम चलते हैं एडिटोरियल की तरफ। आज के एडिटोरियल में ये जो आर्टिकल है परसुइंग पोस्ट पोल ट्रूथ, ये पोस्ट इलेक्टोरल वायलेंस के बारे में है। वेस्ट बंगाल में मई सेकेंड को रिजल्ट आया इलेक्शन का, जिसमें तृणमूल कांग्रेस दे फॉर्म द गवर्नमेंट। आफ्टर दैट इट वाज फॉलोड बाय वायलेंस विच वाज पॉलिटिकल इन नेचर। मतलब पोस्ट पोल इलेक्टोरल वायलेंस का मतलब होता है कि वो एरिया, वो लोग जिन्होंने द विनिंग पार्टी को वोट नहीं किया उनके अगेंस्ट वायलेंस करना। सो दिस इज़ लाइक
Why it is very important? Because if if you intimidate the voters, that if you don't vote, then you will have repercussions. You have to face the repercussions. So the voters will be, they will be in fear. So that breaks the fair playing rule in elections. So it is anathema to democracy. तो यहाँ पे जो issue ये है कि May 2nd के बाद वहाँ पे post poll electoral violence हुआ, जहाँ पे rape, killing हुआ. उसके बाद कलकत्ता हाई कोर्ट, और फिर उसके बाद उसकी जो जांच है, उसका जो इन्वेस्टिगेशन है, वो लोकल पुलिस ने प्रॉपर तरीके से नहीं किया. अंडर दिस कंडीशन द कलकत्ता हाई कोर्ट ऑर्डर द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन टू प्रोब इनटू द इंसिडेंट्स ऑफ रेप एंड मर्डर एंड द अदर वायलेंस विल बी प्रोब्ड बाय स्टेट पुलिस ऑफिसर. तो यहाँ पे जो सीबीआई का रोल क्या है कि यहाँ पे एक इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन का होना बहुत ज़रूरी है, सो दैट दिस पोस्ट पोल वायलेंस शुड नॉट हैपन अगेन. ओके, पोस्ट पोल वायलेंस का एक और नेगेटिव साइड है, वो ये है जो यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखा है, दैट वेदर इट इज ड्यू टू सेंस ऑफ मास एम्पावरमेंट और एन आउटकम ऑफ पॉलिटिकल अवेयरनेस और द पार्टीशन नेचर ऑफ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स. Post poll violence, however, stems from the victor's sense of entitlement and triumphalism. Okay, कि मतलब मेरी जीत हुई है, ये पुराने राजा ऐसे सोचते थे. अगर आप medieval history पढ़ेंगे इंडिया का, तो आप पाएंगे कि इंडिया के ऊपर रेड किया जाता था, लूटने के बाद लोगों को किल किया जाता था. So that is the sense of triumphalism which should not exist in democracy. उसके बाद curbing delta. नाउ कर्बिंग डेल्टा, यहाँ पे अगेन इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल. यहाँ पे डेल्टा वेरिएंट की बात हुई है, उसके कुछ लीनेजेस हैं, AY.1, AY.2, AY.3. साथ साथ में ये देखा गया है कि डेल्टा वेरिएंट जो है वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं, अब बहुत सारे कंट्रीज में रिपोर्ट किया जाता है. सो इफ़ यू विल सी द फिगर्स आर नियरली 3 in 4 ऑफ दिस इन्फेक्शंस अभी जो इंडिया में है, कि बहुत सबसे ज़्यादा इन्फेक्शंस कहाँ से आ रहे हैं, केरला और महाराष्ट्र से आ रहे हैं. एंड ये एक रीज़न ये हो सकता है कि बिकॉज द डेल्टा वेरिएंट इज एमर्जिंग. ओके, तो यहाँ पे एक नाम आया है इंसाकोक का. सो व्हाट इज दिस इंडियन सार्स कोविड 2 जेनोमिक्स कंसोर्टियम? दिस इज अ कंसोर्टियम इन इंडिया. इसका काम क्या होता है कि टू मॉनिटर द एमर्जिंग वेरियंट्स ऑफ कोरोना वायरस. तो यहाँ पे इसका एक रिपोर्ट है, दिस इज सेइंग दैट द डेल्टा वेरियंट रिमेन्स मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंटिन्यूइंग स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन इन इंडिया. अगर हम डेटा की बात करें तो इंसाकोक ने 50,000 सैंपल कलेक्ट किया, उसको टेस्ट किया, उसमें से 2/3 जो वेरिएंट थे वो इंटरनेशनल वेरिएंट ऑफ कंसर्न से रिलेटेड थे, लाइक अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा. और उसमें से भी 20,000 वेर रिलेटेड टू डेल्टा वेरिएंट, स्पेशली AY.2. उसके बाद 5,000 जो थे दे वेर रिलेटेड टू AY.1 एंड AY.3. उसके बाद ये जो आर्टिकल है ये बताता है कि वैक्सीनेशन ने कैसे हमको हेल्प किया है इन दिस सिचुएशन. तो एज द वैक्सीनेशन इज गोइंग ऑन द केसेस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन एंड मॉर्टेलिटी और डेथ हैज कम डाउन. बट व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर इज दैट कि पूरे ग्लोबल लेवल पे अब ये जो है कोविड का जो डेल्टा वेरियंट है ये फैल चुका है. तो जब तक पूरे ग्लोबल लेवल पे इसको कंट्रोल नहीं किया जाएगा, तब तक इंडिया विल बी इन रिस्क. एट द लास्ट talks about the Zydus Cadila's new vaccine for the children up to above 12 years of age. Us vaccine ka naam hai Zycov D. It is a 3-shot vaccine. Iska jo efficacy hai wo 66% hai, jo covid shield aur covaxin se thodi kam hai, but then also it is the significant boost to the inventory of inoculations or vaccines in India. Aage hame kya karna hoga? Aage hame ye karna hoga ki इंसाकोक जो है उसको अपने नंबर ऑफ सैंपल्स जो अभी 50,000 है उसको 50,000 से थोड़ा आगे जाना पड़ेगा, सो दैट इट द डेटा कैन कैप्चर द न्यू एमर्जिंग वेरिएंट्स ऑफ COVID-19. उसके बाद दिस आर्टिकल इज वेरी नाइस आर्टिकल, ब्रेकिंग द लॉक जाम हैंडिंग ओवर द बैटन. ये सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के बारे में है. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम, The Constitution of India explicitly does not mention about Supreme Court Collegium. Supreme Court Collegium is the outcome of second judge's case and third judge's case.
तो अब हमारा अगर कॉलेजियम का कंपोजिशन देखेंगे तो कॉलेजियम के कंपोजिशन में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं प्लस फोर सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं। एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कॉलेजियम, व्हाट इज द जॉब ऑफ दिस कॉलेजियम। कॉलेजियम जो है वो नेम रिकमेंड करता है गवर्नमेंट को, द नेम ऑफ द जजेस हु विल बी अपॉइंटेड एज द जज ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड ऑल्सो द जज ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट्स इन इंडिया। अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने नाइन नेम्स को फॉरवर्ड किया है। मैं आपको पहले बता देता हूँ कि व्हेन द सीजेआई ऑफ इंडिया वाज श्री शरद बोबडे, तब कोई भी नाम रिकमेंड नहीं किया गया था, कॉलेजियम की कोई मीटिंग हुई नहीं। द लास्ट जुडिशियल द लास्ट अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट इट टुक प्लेस इन सेप्टेम्बर 2019 एंड दैट वाई देर इज द वैकेंसी, जुडिशियल वैकेंसी इन इन द सुप्रीम कोर्ट विच इज़ लीडिंग टू द जुडिशियल बैकलॉग। तो यहाँ पे जो सैंक्शन स्ट्रेंथ होता है सुप्रीम कोर्ट का जजेस का, वो 34 होता है। ये पार्लियामेंट बाई लॉ डिसाइड करती है 34। तो इसको फिल करने के लिए देर वॉज द मीटिंग। इस मीटिंग में 9 लोगों को, 9 जजेस के नाम फॉरवर्ड किए गए। और इसके बाद जो है कि यहाँ पे जब हम नाम फॉरवर्ड करते हैं, जब जजेस नाम फॉरवर्ड करते हैं, तो ये आर्टिकल कह रहा है कि इट इज़ नॉट एन ईजी प्रोसेस बिकॉज फॉर फॉरवर्डिंग द नेम द फर्स्ट क्राइटेरिया इज मेरिट, द फर्स्ट क्राइटेरिया इज मेरिट, द सेकेंड क्राइटेरिया इज इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू एवरी वन फ्रॉम एवरी कम्युनिटी एंड एवरी स्टेट, ये भी हमें मेंटेन करना पड़ता है। तीसरा क्या है, सिंस जजेस आर अपॉइंटिंग जजेस सो क्वेश्चंस कैन इजीली बी रेज्ड कि आपने फेवरेटिज्म दिखाया होगा, आपने पार्टीशन एटीट्यूड दिखाया होगा। तो कॉलेजियम के ऊपर ये जो नेक्स्ट चैलेंज जो होता है टू मेंटेन द ट्रांसपेरेंसी इन सिलेक्टिंग द जजेस। तो दिस आर्टिकल इज ऑल अबाउट दैट द चैलेंजेस फेस्ड बाई द कॉलेजियम इन अपॉइंटिंग द जजेस और इट इज़ नॉट अ वेरी स्मॉल एक्ट, इट इज अ वेरी बिग एक्ट टू अपॉइंट 9 जजेस इन अ सिंगल मीटिंग, टू फॉरवर्ड द नेम ऑफ 9 जजेस इन अ सिंगल मीटिंग फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस टू द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। देन इन अफगान कोलैप्स द फॉल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, दिस इज अ टाइप ऑफ रिविजन लेक्चर वॉट एवर वी आर डूइंग फ्रॉम पास्ट 10 to 12 डेज। तो यहाँ पे जो है एक बार फिर से दोहा एग्रीमेंट की बात हुई है जिसको वन साइडेड अकॉर्ड बताया गया है। वन साइडेड अकॉर्ड का मतलब यहाँ पे सिर्फ तालिबान का फ़ायदा हुआ, अफगानिस्तान में जो लोग रहते हैं उनका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यूएस वॉज जस्ट लुकिंग टू हैव अ डील विद तालिबान एंड देन सो दैट इट कैन कम आउट ऑफ तालिबान, ठीक है। बट यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो हमको देखना पड़ेगा। एक तो ये है कि तालिबान की जो अफगानिस्तान के जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनका स्ट्रेंथ है 3 लाख, बट अफगानिस्तान तालिबान का स्ट्रेंथ है 70,000। हाउ कम इट हैपेंड दैट दे द 70,000 फोर्सेस वेर इजिली दे कुड कैप्चर द अफगानिस्तान इन फ्यू डेज। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो वन ऑफ द रीजन ऑफ द डिफीट ऑफ अफगान आर्मी हैज़ बीन द पुअर ट्रेनिंग एंड करप्शन अमंग द ऑफिसर्स। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। द सेकेंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस आर्टिकल इज की पोजिंग अ डेंजर। अब पोजिंग अ डेंजर क्या है, यहाँ पे अगर हम तालिबान के प्रीवियस रूल को अगर देखें 1996 से 2001 और अब के रूल से अगर देखें, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि द यहाँ पे द बारबेरिटी द शारिया लॉज इम्पोज बाई तालिबान इज़ वेरी बारबेरिक एंड वो ह्यूमन राइट्स के को कंफर्म नहीं करता है। ओके कुछ लोग कह रहे हैं कि देर इज़ अ रूम फॉर टू हैव द नेगोशिएशंस विद द तालिबान, बट द ऑथर इज सेइंग दैट नो इट इज़ नॉट सच अ थिंग दैट वी शुड नॉट फॉरगेट दैट वंस द टेररिस्ट ग्रुप स्टार्ट रीग्रुपिंग लाइक अलकायदा एंड इस्लामिक स्टेट इन अफगानिस्तान इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू हैव नेगोशिएशन विद तालिबान। देन कमिंग टू फोकसिंग ऑन डिजीजेज साइडलाइन बाई कोविड-19, यहाँ पे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की बात हुई है। यहाँ पे हमें डेटा दिया गया है कि पूरे वर्ल्ड में 71% जो डेथ होते हैं डेट इज़ रिलेटेड टू नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के एग्जाम्पल्स देख लो, हाइपर टेंशन, डायबिटीज़, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़, कैंसर। और जो इसमें से खास करके जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है लाइक हार्ट अटैक एंड कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, दे आर द टॉप कॉज ऑफ ग्लोबल डेथ। यहाँ तक कि 1 आउट ऑफ एवरी 4 डेथ्स इज अकरिंग टू
ड्यू टू कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड व्हाई इट इज़ डेंजरस। इट इज़ डेंजरस बिकॉज अब ये यंगर पॉपुलेशन को भी बहुत ज़्यादा टारगेट कर रहा है। अगर आप देखेंगे कि प्री मैच्योर लॉस ऑफ लाइफ ड्यू टू एनसीडीज इन द एज ग्रुप ऑफ 30 to 69 ईयर्स इज वेरी हाई स्पेशली अमंग द इंडियंस 40 to 69 ग्रुप्स। ओके सो दिस इज अ कॉज ऑफ कंसर्न। तो गवर्नमेंट ने एक नेशनल प्रोग्राम निकाला था अंडर नेशनल हेल्थ मिशन 2010 में, ये आपको याद करना है कि द नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर डायबिटीज कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक वॉज लॉन्च इन 2010 अंडर द अम्ब्रेला स्कीम विच इज कॉल्ड एज नेशनल हेल्थ मिशन। इट फोकस ऑन स्ट्रेंथनिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रमोटिंग गुड हेल्थ, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, अर्ली डायग्नोसिस, मैनेजमेंट एंड रेफरल। उसके बाद ये आर्टिकल डिस्कस करता है कि डिसरप्शन ऑफ एनसीडीसी सर्विसेज ड्यू टू कोविड 19 देयर वाज मेनी डिसरप्शंस टू इन द एनसीडी केयर सर्विसेज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज सर्विसेज। पहली बात तो हॉस्पिटलाइजेशंस एंड हॉस्पिटल बेड्स ये सारे कोविड 19 की तरफ चले गए, जो स्टाफ थे वो भी कोविड 19 की तरफ ध्यान देने लगे क्योंकि हमारे पास इनफ स्टाफ थे भी नहीं ना इनफ रिसोर्सेज था कि हम एनसीडी को अलग से ध्यान दे सकें। उसके बाद लॉकडाउन हुआ, देन व्हाट हैपेंड दैट रिड्यूस्ड फिजिकल इंटरेक्शंस और उसके बाद लोनलीनेस जो होता है, एंग्जाइटी जो होता है, इट इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। कुछ कुछ सॉल्यूशंस भी इन्होंने रिकमेंड किया है, कुछ सॉल्यूशंस ऐसे हैं कि हम टेलीमेडिसिन का हेल्प ले सकते हैं, यहाँ पे हम एक ऐसा कैंपेन चला सकते हैं ऑन द लोकल लेवल टू टैकल द एनसीडी डिजीज। उसके बाद स्क्रीनिंग हम कर सकते हैं, स्क्रीनिंग ऑफ एनसीडीज एट लोकल लेवल, देन एक्सेस टू एसेंशियल ड्रग्स, देन टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एंड मेंटल हेल्थ, देन टेलीमेडिसिन के बारे में हमने बात कर दिया। उसके बाद टू स्ट्रेंथन द प्राइमरी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सो दैट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस आर रिजॉल्व एट द प्राइमरी लेवल बिफोर इट रीचेज टू द सेकेंडरी एंड टर्शरी लेवल। देन द लास्ट आर्टिकल फॉर टूडे गोइंग फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट टू कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ पे तालिबान की बात की गई है, बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, परस्पेक्टिव बेस्ड आर्टिकल है। यहाँ पे ये बताया गया है कि तालिबान में जो है सिचुएशन, इट इज जस्ट अ कोल्ड वॉर फॉलोआउट। पहले जो हुआ देर वॉज अ कोल्ड वॉर फॉलोआउट बिटवीन यूएसएसआर एंड यूएसए, उसके बाद यूएसएसआर इन्वेट करती है अफगानिस्तान को, देन इट कम्स आउट ऑफ अफगानिस्तान, देन यूएस कम्स फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स। अब यूएस के बाद कौन, तो यहाँ पे बात चल रही है कि यूएस के बाद देर विल बी द एक्सिस ऑफ चाइना, पाकिस्तान एंड रशिया, दे विल मैनेज द सिचुएशन, दे विल ट्राई टू मैनेज द सिचुएशन इन अफगानिस्तान। तो यहाँ पे बात ये हो रही है कि एज लॉन्ग एज अफगानिस्तान is managed by or as long as the Afghanistan is managed by the other countries in the region, तब तक अफगानिस्तान में एक स्टेबिलिटी हम नहीं देख सकते। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर द ग्रास रूट एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ नॉट टेकन प्लेस, ओके द पीपल हैव नॉट बीन एम्पावर टू दैट प्लेस, द डेमोक्रेसी जो है वो उतने डीप तक अभी तक नहीं गई है। तो द थिंग इज दैट, सो हियर द ऑथर इज सेइंग कि तालिबान गोज फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट टू कॉन्फ्लिक्ट, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पे होता है तो ऐसा नहीं होता कि कॉन्फ्लिक्ट के बाद स्टेबिलिटी आ जाती है, कॉन्फ्लिक्ट के बाद नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट का पूरा चांस वहाँ पे होता है। तो जैसे कि जब सोवियत वहाँ से गई, देन देयर वाज अ पावर वैक्यूम, देन तालिबान कैप्चर्ड द पावर, देन अमेरिका इन्वेडेड द अफगानिस्तान, देन नाउ अमेरिका विदड्रॉवल, देन द चाइना, पाकिस्तान एंड रशिया एक्सिस, नाउ दे आर गोइंग टू फिल द वैक्यूम। So in this way, this region is going to go from conflict to conflict. So that's all for today. Let's meet tomorrow with the new Daily Hindu analysis. Till then, have a nice day. Thank you.